तो भाई साहब अभी बारी आ चुकी है फाइनली पकोड़े और समोसे डालने की प्लेट्स में, क्योंकि यार ये चीज़ ऐसी होती है आपको पता है ठंडी बिल्कुल भी मज़ा नहीं करती। और यहाँ पे दिलावर बैठा हुआ है, ये चटनी वगैरह डाल रहा हो इस तरफ अब्दुल राफे। और अभी कुछ पीसेस को कट लगाए जा रहे हैं क्योंकि यार ये थोड़े बड़े हैं रोल, और अभी आइडिया भी नहीं है कितने बंदे आने। वैसे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हर बंदा एहतियात करता है। चटनी का लुक मैं क्लोज आपको दिखाऊं, ये अब्दुल राफे भाई कट कर रहे हैं रोल्स को। तो भाई अभी मतलब वन बाय वन चटनी वगैरह लेके अंदर जाना, क्योंकि दस्तरखान मतलब चारों तरफ लगे हुए हैं तो एक बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह चीज़ें लेके जाना। और वैसे भी यही हमारा कह लें हमारी तरतीब यही होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता लड़के लोग लेके जाते हैं भाई। अभी जो है दस्तरखान में खजूर फ्रूट चाट और दो चीज़ें लगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगनी है यहाँ पे। इस तरफ आ चुके हैं आतिफ भाई, और आतिफ भाई भाई डाल रहे हैं पकोड़े प्लेट्स में। और डिस्पोजेबल प्लेट्स लाने का हमारा मेन रीज़न ये थी कि यार क्योंकि आगे प्लेट्स इतनी ज़्यादा है और धोने में मसला होता है, मरी में पता है आपको आजकल मौसम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है तो भाई बीमार होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए वकास और आतिफ भाई जो है पकौड़े वगैरह प्लेट्स में डाल रहे हैं। और राफे भी जुगाड़ू तरीके से रोल को तोड़ते हुए, राफे ने बोला है भाई छुरी वाला काम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो ये हाथ ही तोड़े। एहसन भाई एक तरफ से जो है नान पकड़ के लाए और गर्व बहुत भूख लगी है, कोई इशू नहीं अभी, अच्छा लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंशाल्लाह। और इस तरफ आते हैं भाई और कुछ चीज़ें यहाँ से प्लेट्स वगैरह में डल रही हैं भाई, सारे ही फेमस होंगे वैसे तो, ये मैं यादगार के लिए बना रहा हूँ यार, अच्छी मेमोरीज साथ रहती हैं। और यहाँ पे कार साहब खड़े हुए हैं, कार साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जाहिर है सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन कार साहब के स्टूडेंट्स हैं। ये भाई फैजी रख रहे हैं पकौड़े एंड रोल्स, माज सॉरी मैंने देखा नहीं है क्योंकि एक जैसी टोपी पहनी है दोनों ने, जैकेट भी एक जैसी और कपड़े भी सेम है, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा। और ये हैं फरीद अंकल और ये मेरे ख्याल से इतवा बैठे हुए, मुझे पता नहीं है, टाइम चूँकि कम है इसलिए बच्चा पार्टी पहले से ही बैठ चुके हैं और बच्चा पार्टी को भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, क्योंकि यार जिस दस्तरखान पे कहते बच्चे हों उसका हिसाब नहीं होता। माशाल्लाह देख लें कितने प्यारे प्यारे बच्चे सारे बैठे हुए हैं खामोशी से, बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहे क्योंकि यार कैमरा होना है, अभी मैं उधर जाऊँगा तो भाई फिर इन्हें मस्ती स्टार्ट कर देनी है। वैसे ये है कि हमारे गांव के लड़के काफ़ी ज़्यादा शरीफ हैं ये कह लें। अब भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं और दिलावर ने इतना बड़ा कह लें यार कि टोकरा गएगा गत्ता गएगा क्या कहेगा, अभी एक्साइटेड इतना ज़्यादा वो मेरे माइंड में वो लफ्ज़ नहीं आ रहे, वर्ड नहीं आ रहे। अभी ये सर्व कर रहे हैं राफे आगे, और वैसे तो मैं भी कर रहा होता, ऐसा नहीं है, आज टोटल मेरा काम है भाई वीडियो वगैरह बनाना। और अभी यहाँ पर लाइट मेरे ख्याल से नहीं है, तो भाई साहब ये देखिए ये देखिए भाई साहब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता जाता हूँ जो जो चीज़ें लग रही हैं, और मैं कुछ गिराने लगा था शुक्र से कुछ हुआ नहीं अभी। अभी आपको बॉयज़ जो एक्टिव दिखेंगे सारे जितने भी हैं, और क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है और इस वजह से जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। साथ साथ ये देखिए अदन के हाथ में भी दो प्लेट्स हैं रोल्स एंड पकौड़ाज। सैफी सैफी को तो मेरे व्लॉग्स में आपने बहुत देखा होगा और आगे भी देखते रहेंगे। और हाँ नौमी और मैं जो हमारा वो था क्या कहते हैं यार जंगल से जो हम आए थे ऊपर से लोअर टोपा से वो वाला मेमोरेबल था। और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लगना स्टार्ट हो चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको ऑलमोस्ट बॉयज़ दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है, और कह लें कि यार जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है और टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है। और वही सभी मैं आ चुका हूँ बाहर, और यहाँ पे एक डिश और आ चुकी है जो हमने मंगवाई थी बाराकाउ से बिरयानी, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है चमन बिरयानी, इस वजह से मैंने ये चाह के आपको ये भी दिखा दी और बिरयानी की लुक दिखाएंगे। आतिफ भाई से बोलेंगे थोड़ा सा अगर ये आप ढक्कन उठाएं तो फिर व्यूवर्स को हम दिखा दें हल्का फुल्का। ये देखिए माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल कलर, ये है दो बीज हो गए चटनी फ्रॉम करते हुए।
बच्चे बच्चे भी और निंजा ने बॉक्स खाली कर दिया। तो भाई सब आतिफ भाई मिक्स कर रहे हैं बिरयानी वगैरह, और अभी जो है डिशेस में बिरयानी डाली जाएगी और फिर सर्व की जाएगी। अभी भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, सामने अदनान भाई, नदीम भाई, असगर भाई और कुछ लोग इस तरफ हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब ऑलमोस्ट कह लें कि यार तकरीबन 10 मिनट रह गए इफ्तारी को, तो अभी लोग आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान पे बैठना स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई सब ऑलमोस्ट हमने चीज़ें वगैरह लगा दी और अभी मैं और दिलावर जा रहे हैं सालन। आज मैं आपके ब्लॉग में आने की सादत नसीब हुई। मैं और दिलावर जा रहे हैं सालन वगैरह लेने। वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? सलाम ब्रदर। और मैं और दिलावर जा रहे हैं सालन वगैरह लेने, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हमने बाउल्स में डालना है। तौसीफ भाई भी मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई, हम में सबसे बड़े भाई तौसीफ भाई और बाकी छोटे। एक मसले में मानी भाई जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद हम मानी से मिल रहे हैं। मानी कैसे यार? मैं ये हाथ मिलाऊंगा कि क्या साथ में फोन है। सही है, सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आपसे मैं मिल रहा हूँ गाँव से दूर, मैं भी गाँव 3.5 महीने में गाँव से दूर रहूँ। अभी वापस अभी भाई साहब इस तरफ भी आपको दिखा देते। तो भाई साहब अभी हम सालन ला रहे हैं, इसके साथ साथ हसन भी आ चुके हैं और हसन लोग हम काफ़ी रात में मतलब साथ खेलते हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़कों में भी हम क्रिकेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा साथ खेलते रहे। और हसन कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार सालन का वो कह रहे हैं नमाज के बाद लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे मतलब चूल्हा वगैरह जल रहा है तो गर्म रहेगा, तो इसलिए सालन हमने नमाज के बाद, वैसे तो हम आए तो सालन ले रहे थे, लेकिन अभी ये डिसाइड किया गया कि यार सालन बाद में लाओ तो ज़्यादा बेहतर। तो भाई साहब जहन से मैं काफ़ी टाइम बाद में ना ना करते हुए हम मिले थे 4 महीने पहले, क्योंकि यार ये लोग पिंडी चले गए और हम बारह का बीच में काफ़ी ज़्यादा हम दूर रहे। फिर इंशाल्लाह सीजन में मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। तो भाई साहब आपको हम सीन दिखाते हैं। माशाल्लाह ये एक तरफ के लोग हैं, अभी इस तरफ भी इसी तरह रश है, उस तरफ भी ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, और मतलब ये सारे मतलब एक गाँव के लोग हैं और बहुत कम हौसला होता है क्योंकि हर बंदा आजकल मसरूफ़ रहता है और बहुत कम इस तरह की जब भी इवेंट्स होते हैं तो भाई सारे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ के कुछ सीन, वकर शानू बैठे हैं, इनसे मैं मिला नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, इनसे बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद और नमाज के बाद। और ये जगह खाली है क्योंकि अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाकी जितने मतलब खिदमत वाले जो सर्व कर रहे हैं, जितने भी अपने बॉयज़ हैं, वो बाद में आने वाले, रमीज़ भी आ चुके हैं और साथ में कुछ और लोग भी आ चुके हैं। इस तरफ का भाई सारे बॉयज हैं, सारे क्रेजी बॉयज इस तरफ है। शुरू कर ले जी बॉस, शुरू कर ले। चलो चक के बताओ कैसा है बॉस? मज़ा ही आ गया। अब बताओ बॉस का लेवल कैसा है? मेरे बॉस का लेवल बहुत हाई है। असल बॉस जितने बुलाए उनका लेवल सबसे ऊपर है। तो भाई साहब अभी ये लाइट थोड़ी मस्ती कर रही है, इतना ज़्यादा आपको व्यू नहीं देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा था यार फ़ोन का कैमरा मेरे को मसला हो गया, फिर मैंने नोट किया कि यार ये मतलब लाइट ब्लिंक कर रही है तो इतना अच्छा नहीं आ। अभी हमने नमाज वगैरह पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी भाई खाना खाने की बारी आ गई है। आतिफ भाई अभी डाल रहे हैं खाना वाना, एक तरफ बिरयानी और एक तरफ गोश्त वगैरह, ये भी हम डाल के जो है अपने आए हुए मेहमानों को सर्व करेंगे। इस तरफ जो है हमाद भाई और उस तरफ जो है लड़के के बर्तन धो रहे हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है, सर्दी में भी इतनी सर्दी में मतलब साथ में आग भी चलाई है, फुल मूड ऑन है भाई। और भाई साहब यहाँ से निकाले जा रहे हैं गर्म गर्म नान, और अभी यहाँ से नान वगैरह भी सर्व करेंगे। इस तरफ बैठे हुए वकार भाई, शाहिद भाई, साथ में अदनान भाई, अदनान भाई के साथ उमेश बैठा हुआ है, मेरा भतीजा कह लें क्या भतीजा। और इस तरफ रमीज़, फेमस पर्सनैलिटी रमीज़ आ चुके हैं। रमीज़ भाई, अभी भाई साहब फिर से गेमा गेमिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यार अभी खाना लगा रहे हैं तो शोर वोर तो हो ही गया है, उस तरह का शोर तो नहीं हुआ क्योंकि मस्जिद है यार, मस्जिद का एहतराम है। देखें भाई बॉयज आग का मज़ा लेते हुए, और मेरा भी दिल कर रहा है वहाँ पर जाने का, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है आग के पास, तो सर्दी का वो जा रही है, लेकिन जब भी बंदा आग सेकते हैं ना, आग सेकने के बाद जब थोड़ा सा भी आग से दूर होता है बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो बस फाइनली अफ्तार पार्टी हो चुकी है और अब मैं सोच रहा था कि यार व्लॉग को एंड कर दिया जाए, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। ये सारा सामान आपको दिख रहा है ये उठाना है, हल्के हल्के हंसे, लेकिन कोई सीन नहीं है यार।
और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।